आपको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है जी? सुनोगे? चलिए पहले राम राम रोज से करेंगे, जवाब सभी ने कैसे देना है? हाँ जी, कैसे दोगे जवाब? जोर से, अच्छे से। सभी को नमस्ते जी। इंडो बेस्ट। इंडो बेस्ट। राम राम जी। इंडो बेस्ट। कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे। इतने अच्छे। बहुत अच्छे। चलिए अभी जितने अच्छे हैं उतनी अच्छी एक बार ताली बजाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके अच्छे से ताली बजाएंगे। तो अभी जैसे आप लोग अच्छे हुए हैं, सेंटर में आके थेरेपी लेके, उसी तरीके से अभी एक आंटी जी है जो मेरे सामने खड़े हैं और लगातार सेंटर में आ रहे हैं, लगातार थेरेपी लेने से इनको भी आराम आया है, तो अभी इनके आराम को सुनेंगे सारे, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। तो अभी आंटी का सबसे पहले नाम पूछेंगे। आंटी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। इनका नाम सुमन है, सुनाई दे रहा है सभी को? हाँ जी। कितनी उम्र आपकी? मेरी 60 60 साल की उम्र है। 60 साल की उम्र में अभी मुझे एक बात बताएंगे, कहाँ से आए हो आप? टैगोर गार्डन से आ रहे हो आंटी जी। जब आप पहले दिन सेंटर में आए थे तो किस तरह की दिक्कत थी आपको? मुझे बैक पेन, घुटनों की प्रॉब्लम, सर्वाइकल, बीपी की प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। बैक पेन, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द और अभी हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम, चार दिक्कतें हैं इन्होंने बताई। कितने टाइम से थी आपको ये दिक्कत? सबसे पहले क्या आया आपको? सबसे मतलब आराम नहीं, सबसे पहले दिक्कत क्या आई थी? सब बीपी, बीपी की दिक्कत आई थी। अभी बीपी की दिक्कत आपको आई तो आपने बीपी का इलाज भी करवाया होगा? हाँ, दवाई खाती थी लगातार। लगातार दवाई खा रहे थे? कौन से खाते थे? अच्छा, हॉस्पिटल से ही रिटायर्ड है, सिविल हॉस्पिटल से। तो दवाइयाँ आपने खाई, दवाइयाँ फ्री में मिली होंगी या पैसे लगे थे? बाहर से भी लेनी पड़ती थी। बाहर से भी लेनी पड़ती थी, अच्छा खासा आपने पैसा भी लगाया, टेस्ट भी कराने पड़े होंगे। यानी कि बीपी के लिए जब आपने दवाई खानी शुरू करी, कितना का आराम आया बीपी में? आराम बस गोली खा लो थोड़ा सा कम होता था, फिर हाई हो जाता था। जब तक दवाई खाई तब तक सही हो जाता था, उसके बाद भी वैसे ही हो जाता था। अभी बीपी तो इनका ठीक नहीं हुआ, बीपी के बाद कौन सी दिक्कत आई? हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट की प्रॉब्लम। और ये सच्चाई है कि हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी चीज के लिए गोली दवाई खाते हैं तो वो दिक्कत तो हमारी ठीक नहीं होती, लेकिन साथ ही साथ शरीर में एक नई दिक्कत आ जाती है। अभी हार्ट की प्रॉब्लम आ गई क्यों? क्योंकि बीपी का इन्होंने क्या किया, जो एक शरीर में रक्त का दौरा अच्छे से नहीं हो पा रहा था, ब्लड जो हमारा होता है वो यदि गाढ़ा हो जाए तो भी दिक्कत है, और अगर पतला हो जाए तो भी दिक्कत है। समझ में आ रही है जी बात? हाँ जी। और बीपी की दिक्कत एक ऐसी दिक्कत है कि अगर हम उसको नजरअंदाज करें तो जैसा कि आंटी जी ने बताया, या तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है या आने वाले टाइम में इंसान को अधरंग, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस, उसकी दिक्कत आ जाती है। समझ में आ रही है जी बात? हाँ जी। अभी हार्ट प्रॉब्लम आपको आ गई तो आपने उसके लिए भी इलाज करवाया होगा? फिर ब्लॉकेज आ गई। चलिए जी, अभी ब्लॉकेज के लिए भी इलाज कराया होगा? डला है मेरे को, स्टेंट भी डला हुआ है। यानी क्या है जी, देखिए 60 साल की